झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क की ओर से रांची में राज्य स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सुरक्षित प्रवास के विषय में आयोजित इस कार्यशाला में जेएमएम की केंद्रीय महिला अध्यक्ष महुआ मांझी समेत सहित राज्य भर से आए विभिन्न संगठन और समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट मौजूद रहे। वर्कशॉप के दौरान ये जानकारी दी गई कि सुरक्षित प्रवास को लेकर लॉकडाउन के दौरान बातें नहीं हुई थी, अब जनमानस तक इस विषय को पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वर्कशॉप से ही असर पड़ता है। पहले मैं देखती थी कि बहुत बड़ी मात्रा में तस्करी होती थी। मैं विमेन कमीशन में भी रह चुकी हूँ, चेयरपर्सन के रूप में मैंने देखा कि जो नाबालिग लड़कियाँ तस्करी के माध्यम से जाती थी दूसरे राज्यों में और उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, दैहिक हर तरह का शोषण होता था, तो वो वापस आती थी तो बालिग होकर आती थी और विमेन कमीशन के अंडर में वो केसेस आते थे। तो उस समय मैंने देखा कि चूंकि यहाँ पर रोजगार का बहुत ज़्यादा अभाव था, क्योंकि ग्रामीण इलाके और जो पहाड़ी जंगली इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहाँ से शहर आकर, जैसे बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि कोलकाता मुंबई वगैरह में लोकल ट्रेन्स वगैरह होते हैं, तो दूर दूर से भी ग्रामीण आकर शहर में दिन भर काम करके शाम को वापस जाते हैं, लेकिन यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है। पहला स्टेट लेवल प्रोग्राम किया हमने ताकि आपके माध्यम से हम आखिर माइग्रेंट्स की स्थिति क्या है, क्या रही है, वो पहुंचा बता पाए लोगों को, आम जनता तक ये मैसेज जाए, पहली बात। और दूसरी बात कि जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद अब सबको पता है कि आखिर माइग्रेंट्स की स्थिति क्या थी, लेकिन सोशल मीडिया ही वो जरिया था जिसके वजह से लोगों को पता चला कि आखिर माइग्रेंट्स की स्थिति क्या है। देश के माइग्रेंट्स जो है हज़ारों हज़ार किलोमीटर्स चल चल के पैदल अपने घर वापस गए हैं, किस स्थिति में गए हैं, किस तरीके से आखिर उनके साथ व्यवहार किया गया है, कितने पहुँचे अपने घर और कितने नहीं पहुँचे, तो ये पहली कोशिश है कि आखिर वो जो हुआ उस चीज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।